दोस्तो, असी जीवन का आनंद माण सकते हैं जे असी तंदुरुस्त हाँ। हम जीवन का आनंद ले सकते हैं यदि हम हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं तो। और सेहत ही हमारे लिए बेमूल्य खजाना है, तो साढ़े लिए सेहत ही सब कुछ है। सोना, चांदी, मोती, जवाहरात, इसके आगे कुछ भी नहीं है, है ना। सेहत के तो कुछ भी नहीं, जे सेहत है तो सब कुछ है। तो मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो इस वीडियो में एफर्मेशंस दी हुई हैं, उनको 40 दिन उन्होंने लगातार सुना और वो बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब सेहत के संबंध से, मतलब सेहत वालों बिल्कुल ठीक हो गए। एफर्मेशंस की होंगी एफर्मेशंस सिद्धियाँ जाके थोड़े सबकॉन्शियस माइंड विच रल जाती हैं, बैठ जाती हैं। जो एफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो फिर वह हमारी जीवन का एक अटूट अंग बन जाती हैं। फिर वो साढ़े जीवन दे विच रच मिच जाती हैं। जे एफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड विच चलिया जान तां तो आओ आप एक उपराला करिए। हम एक कोशिश करते हैं, सबसे पहले शोर शराबे से दूर और कुदरत की खुली हवा के बीच कहीं बैठो जहाँ कुदरत ही कुदरत हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो आपने मेरे साथ बोलना है, जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ। इन एफर्मेशंस को सुनो, तुसी सुनो, उन्होंने दोहराओ, तो आप भी उनको रिपीट करो। और यदि ये सबकॉन्शियस माइंड में भर जाए तो बस समझ लेना सब कुछ ठीक है। तो इसके लिए समय कौन सा ठीक रहेगा, किड़ा टाइम ठीक रहेगा? देखो दो टाइम है, जो सवेरे तुसी नींद तो जाग रहे हो, ना पूरी तरह नींद टूटी होए ना बिल्कुल तुसी कॉन्शियस विच हो, मतलब बस अखा मलन वाली। जो तो आप नींद से जाग रहे हो, या तब जब आप नींद में जा रहे हो कि रात को जब हम तैयारी कर लेते हैं सोने की, बस नींद आने वाली होती है, बस जस्ट कि अब हमें नींद आई कि आई। यदि हम उस समय इनको, इन एफर्मेशंस को दोहराएं तो फिर देखना क्या हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी आंखों के सामने अपनी ही मूर्ति को लेके आना है, अपने शरीर को लेके आना है, और जिसमें आप बिल्कुल आप अपना शरीर देख रहे हो जो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, उसमें कोई खराबी नहीं है, है ना। तो तुसी बिल्कुल बढ़िया दिसते पे हो, तुसी अपनी मूर्ति देख रहे हो, तो तुहानूं कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। फिर तुसी ये विजुअलाइज करो कि तुहाड़ा शरीर ने ना आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया है ना, थोड़ा थोड़ा दौड़ रहे हो। तुसी अपना शरीर देखो दौड़ता जा रहा है, होर तेज दौड़ रहा है, और तेज और तेज और तेज और इतना तेज। ओके, सा चढ़ गया, सा चढ़ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा कि पसीना आ रहा है, पसीना पसीना हो गए और इतना पसीना आ रहा है। अब रुक जाओ, अब आपका शरीर न रुक रहा है, अब दौड़ना आहिस्ता हो गया, और आहिस्ता आप कदम आहिस्ता हो रहे हैं। तो आहिस्ता होते होते आखिर में आप आके बैठ गए, बैठ गए। आप लंबे सांस ले रहे हो, और लंबे, और हुन ये सांस आपके नॉर्मल हो गए। आप चौकड़ी मार, आपने चौकड़ी मार ली है, और आप एक अब सांस नॉर्मल हुए हैं।
एक लंबा सा खींचो और महसूस करो कि ब्रह्मंडी ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है, आपके अंदर जा रही है। ऐसे सारी ब्रह्मंडी ऊर्जा मेरे अंदर चली गई है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ो, और जब आप श्वास छोड़ोगे तो ये महसूस करना कि थोड़े विचों नेगेटिव एनर्जीज निकल के सारियां बाहर जा रही हैं। और इन्हों 2-3 बारी रिपीट करो, लंबा सा पढ़ो, महसूस करो कि ब्रह्मंडी ऊर्जा थोड़े अंदर जा रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ो कि नेगेटिव एनर्जीज थोड़े विचों बाहर निकल रही है, मेरे शरीर को वो छोड़ के बाहर जा रही है। और अपनी मूर्ति के सामने आप अपनी मूर्ति को देख रहे हो जो बिल्कुल स्वस्थ है। तो आप अब कह रहे हो, मैं हृष्ट पुष्ट हूँ, वाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ, मैं कोई दुख दर्द नहीं, मुझे कोई दुख दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, ये देखो मैं बिल्कुल रिस्पुष्ट हूँ, मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ, और शरीर की ऊर्जा के लिए मैं सब कुदरती चीज़ें खाता, कुदरती चीज़ों का मैं सेवन करता, और मैं अपने शरीर को सजांदा स्वार्था, शरीर नू मैं अपने सजांदा स्वार्था। अब आप ना अपने शरीर पे आहिस्ता आहिस्ता आपने उस पे हाथ फेरना, अपने शरीर पे, और महसूस करना है कि आप अपनी मूर्त पे हाथ फेर रहे हो जो बिल्कुल रिस्ट पुष्ट है, आपके हाथ आपकी मूर्ति पे जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से अपने पैरों को सलाहो, आपके पैर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, अपनी टांगों पे आ जाओ और टांगों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाओ, आहिस्ता आहिस्ता दबाओ मूर्ति पे, ये देखो टांगे बिल्कुल ठीक हैं, आपके गोड़े को मसलो, गोड़ों को थोड़ा थोड़ा प्रेस करो, गोड़ों में कोई तकलीफ नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और ऊपर आ जाओ अपनी नाभि के पास, अपने पेट पे हाथ फेरो, पेट में मेरी कोई बीमारी नहीं, अंतड़ियाँ सब साफ है, मुझे दिखाई दे रही हैं अंतड़ियाँ, ये सब साफ है। और ऊपर आ जाओ और ऊपर अपने दिल की तरफ, मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे सुन रहा है, ब्लड आ रहा है जा रहा है, और दिल बिल्कुल रिस्ट पुष्ट है, मेरे लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, सांस भरो सांस छोड़ो। और ऊपर आ जाओ आपके गले में, मेरा गला ठीक है, यस, कोई खराबी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अपने फेस पे हाथ फेरो, फेस कितना सुंदर है, आंखें कितनी चमकीली ब्यूटीफुल आकर्षक है, नाक कान सब ठीक है, अपने बाहों पे हाथ फेरो, मेरे बाजू कितने अच्छे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सिर पे आ जाओ, मेरे सिर के अंदर दिमाग है, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल स्वस्थ है, और मेरे बाल मेरे दिमाग को ऊर्जा दे रहे हैं,
बालों में हाथ फेरो, ये बाल मेरे साथी हैं अब के, और इन्हीं से ऊर्जा मिल रही है मेरे दिमाग को। प्यार से बोलो, मेरा शरीर कितना सुंदर है, अब महसूस करो कि ये मेरा शरीर ही मेरा साथी है, ये शरीर ही मेरा लवर है, मेरी महबूबा है, मैं इसे बेहद प्यार करता हूँ, मेरा हमेशा साथ देता है। मेरे बाल कितने सुंदर हैं, आज ये मेरा हिस्सा है और मुझे ये ताकत दे रहे हैं, मुझे ऊर्जा से भर रहे हैं। अब आंखें बंद करो और अपना सिर ढक लो, और मैं एक शब्द अभी कहने जा रहा हूँ, गुरबाणी से, गुरु ग्रंथ साहब से, गुरु अर्जन देव जी महाराज को याद करो, गुरु अर्जन देव जी महाराज को याद करो, उनको सिमरो कम से कम 11 बार, गुरु अर्जन देव जी महाराज को सिमरो। अब जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, वो शब्द को आपने 11 बार बोलना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। तो चलो, वाहेगुरु की ओर, वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मनते हो, मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड विद इन योर माइंड। काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाउ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाउ, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज द मेडिसिन, इट इज लाइक एन एक्स which destroys the diseases caused by the anger and egotisms. Tine tap nivaran hara, tine tap nivaran hara, dukhanta sukhras. The Lord is the one who removes the three fevers. He is the destroyer of pain, the warehouse of the peace. Tine tap nivaran hara, dukhanta sukhras. The Lord is the one who removes the three fevers. He is the destroyer of pain, the warehouse of peace. Taako bigan na kau lage, taako बिगन न कहो लागे, जाकी प्रभ आगे, अरदास। नो ऑब्स्टिकल्स ब्लॉक्स द पाथ ऑफ वन हु प्रेज बिफोर गॉड। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। By the grace of the saints, the Lord has become my physician. God alone is the door, the cause of causes. Baal Pud Puran Sukhdata, Baal Pud Puran Sukhdata, Nanak Har Har Tik. He is the giver of perfect peace to the innocent minded people. O Nanak, the Lord Har Har is my sport. To ant vich, to akhir mein in shabdon ko, Gurbani ke in pavitra shabdon ko baar baar अपने हृदय में बिठाओ,
तीने ताप निवारण हारा दुखांता सुखरास ताको पिगर न को लागे जाकी प्रभ आ गया पास। तीने ताप निवारण हारा दुखांता सुखरास ताको पिगर न को लागे जाकी प्रभ आ गया पास। तीने ताप निवारण हारा दुखांता सुखरास ताको पिगर न को लागे जाकी प्रभ आ गया अर्थात।